नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केरल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने किया संबोधित। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा कि तिरुवनंतपुरम आना हमेशा खुशी की बात है, ये वो शहर है जो हमेशा गर्मजोशी और स्नेही लोगों से भरा है। अंतरिक्ष में भी हम तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी जिक्र किया गया कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अंतरिक्ष में जिस तरीके से भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र करते हुए कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना यानी कि भारत का एक स्पेस स्टेशन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में ये बड़ी अहम बात कही है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे हैं और केरल में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इसी के साथ जब तिरुवनंतपुरम पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, तो तिरुवनंतपुरम में अपने संबोधन के दौरान वहां मौजूद लोगों में उत्साह भरते हैं। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम आना हमेशा खुशी की बात है। कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही तो पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में संबोधन के दौरान कहा गया कि अब हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में यानी कि 2035 तक अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। तो 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली वो तस्वीर जब साराभाई स्पेस सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दूसरी वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनी का पीएम नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया था और बेहद ही बारीकी से हर एक स्टेशन पर पहुंच करके जानकारी हासिल की थी। तीसरी वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गगनयान यात्रियों को दिया बैज पीएम नरेंद्र मोदी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और चौथी तस्वीर गगनयान यात्रियों के लिए जब तालियां बजाई गई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने हर एक यात्री से खुद मुलाकात की थी। तो ये चार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक कर बारीकी से साराभाई स्पेस सेंटर में पहुंच करके हर एक चीज के बारे में जानकारी हासिल की, उन यात्रियों से मुलाकात की जो गगनयान के लिए अब उड़ान भरने वाले हैं, उन यात्रियों से भी मुलाकात की। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, ये हमने चार तस्वीरें आपको दिखाई है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गगनयान के चार एस्ट्रोनॉट से मुलाकात भी पीएम नरेंद्र मोदी ने आज की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्रियों को दिए एस्ट्रोनॉट्स विंग, चारों एस्ट्रोनॉट्स की रूस में हुई ट्रेनिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सभी एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग है वो रूस में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम
के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही देश के पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गगन मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट्स विंग्स दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए भेजा जाए उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णम नायर है, इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णम, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। और देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की समीक्षा की है। साथ ही आपको बता दें कि गगनयान के एस्ट्रोनॉट से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। गगनयान के हैं 4 अंतरिक्ष यात्री। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णम नायर, इनके अलावा अजीत कृष्णम अंतरिक्ष है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गगनयान मिशन की समीक्षा की है। साथ ही इस दौरान क्या कुछ रहा है ये आपको बता रहे हैं। गगनयान के एस्ट्रोनॉट से भी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास ये मुलाकात रही है। गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो यात्री हैं जिनसे मुलाकात की है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णम नायर है, अजीत कृष्णम अंतरिक्ष यात्री है, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान के ये वो यात्री हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के मंदिर में पूजा अर्चना की है। अमित शाह ने आपको बता दें कड़वा पाटीदार समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रदेश को देंगे 758 करोड़ की सौगात। आज गांधीनगर मंदिर में पूजा अर्चना की है। वो तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर स्थित मंदिर में पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी। आप बता दें कि प्रदेश को आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 758 करोड़ की सौगात दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर और इस दौरान सबसे पहले गांधीनगर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के 3 विधायकों ने अपना पाला बदला है। कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल, तो एक और बड़ा झटका बिहार में महागठबंधन को लगा है। 3 विधायकों ने अपना पाला बदला। और चलिए अब सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं और सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, क्या कुछ कहा जा रहा है। समस्याओं का समाधान करता है और इसी को देखते हुए कुलदीप कुमार मोनू जी को हमने ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाया है। कुलदीप जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2017 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, वो पार्षद का चुनाव जीते, कल्याणपुरी सीट से पार्षद बने। उसके बाद कोंडली विधानसभा से उनको 2020 में टिकट मिला। उनके काम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने जो पब्लिक सर्विस करी उसकी वजह से 2020 में जिस व्यक्ति ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत करी थी, 2020 में उनको विधायक का टिकट मिला। अच्छी मार्जिन से वो कोंडली की सीट जीत कर आए और इसी मेहनत की वजह से पार्टी ने उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया और आज ईस्ट दिल्ली लोकसभा जो एक जनरल सीट है उसे हम वहाँ से चुनाव भी लड़वा दिए। तो ये टिकट जो हमने ईस्ट दिल्ली में दी है, मुझे ये लगता है ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का एक द्योतक है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने नहीं आई है, आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति को बदलने आई है। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमेशा दिल्ली के लोगों ने इस राजनीतिक बदलाव का समर्थन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्यार जो भरोसा दिल्ली वालों ने हमेशा आम आदमी पार्टी को दिखाया है, आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाएंगे। थैंक यू। आप सभी को पता है और पूरे देश को पता है कि ये सारे नोटिसेस इलीगल हैं
और अभी स्पेशली ये नोटिस का मैटर जो है कोर्ट में है, तो कोर्ट का इंतजार करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर का वर्डिक्ट का इंतजार करते हैं। संदीप जी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप लोग बना रहे हैं कांग्रेस के साथ दिल्ली में खास तौर से कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि काडर मोबिलाइजेशन दोनों पार्टियों का होगा, एक दूसरे की सीटों पे तभी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हमने प्रपोजल रखा हुआ है, मेरा मानना है कि कुछ दिन में ये मटेरियलाइज हो जाएगा। दोनों पार्टी के पास जो वोट आया था पिछले लोकसभा चुनाव में उसका एक बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि अब भी बीजेपी और आप दोनों के वोट बैंक में 16-17 फीसदी का अंतर है। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टी के गठबंधन के बाद कितना उसमें बदलाव आने की उम्मीद आप लोग गेज कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ता जुड़ पाएंगे? देखिए, वो सीधा सीधा जब आप वोट शेयर को ऐड करके जो निकाल रहे हैं वो राजनीति में बिल्कुल करेक्ट कभी उतरता नहीं है। टोटल वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो हर इलेक्शन में वो अलग अलग वेरी करता है, किस सेगमेंट से कितना वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हुआ वो अलग अलग डिपेंड करता है, इलेक्शन इलेक्शन डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है, और जब आप कॉम्बिनेशन में दो पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं तो ये सारी परिस्थितियां बदल जाती है, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। इस बार इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और देश को एक विकल्प की ज़रूरत है, तो पूरी जनता की जो मानस है वो बदलाव के लिए रहेगा और चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कह रही है ना कि हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा था, उस मार्जिन की ताकत कितनी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस दिन से गठबंधन घोषित हुआ है उस दिन से सारे सीट पर भाजपा कैंडिडेट ढूंढ रही है। अगर मार्जिन इतनी ज्यादा है तो इतने जो है माथा पच्ची करने की जरूरत क्या है, वो तो कोई भी लड़के चुनाव जीत लेगा, फिर इतने कैंडिडेट भाजपा क्यों ढूंढ रही है? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उम्मीदवार होंगे। साउथ दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो साउथ दिल्ली से सही राम होंगे उम्मीदवार, पश्चिमी दिल्ली से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार होंगे। इसके साथ आपको बता दें कि 4 सीटों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान किया गया। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उम्मीदवार होंगे और साउथ दिल्ली से सही राम उम्मीदवार होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। भावना, देखिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो भावना की आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से भावना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आतिशी आम आदमी पार्टी की जो नेता है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। साथ ही हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र की एक सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है दिल्ली में और हरियाणा में, सीटों का बंटवारा हुआ है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जो कि कुरुक्षेत्र की सीट है। उस सीट के उम्मीदवार का नाम जो है वो भी तय हो चुका है, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर भी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और 4 सीट जो कि दिल्ली की है, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा हम बात करें साउथ दिल्ली की तो साउथ दिल्ली से सही राम को उम्मीदवार बनाया गया है, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए हर एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली से सोमनाथ और एक बार फिर भावना सिसोदिया सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार विस्तार से बताइए। 4 सीटें दिल्ली की है, 1 सीट हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। भावना अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही।
तो भावना से संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और जब आतिशी कुलदीप कुमार के नाम की घोषणा कर रही थी तो आतिशी की तरफ से कहा गया, आतिशी आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है जिनकी तरफ से कहा गया कि कुलदीप कुमार वो चेहरा है जो कि अब से कुछ साल पहले तक सिर्फ आम आदमी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक सर्विस की, साथ ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं लेकर आए और चलिए अब सीधा आपको तिरुवनंतपुरम लिए चलते और सुनवाते पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए अब तमिलनाडु के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, ये नजारा कह रहा है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்ததில்லை, ஆனால் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய இதயத்தில் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சகோதரர்களே. இதை ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதரனுக்கும், தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதரருக்கும் நன்றாக தெரியும், நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தான் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் தெரிந்துகிட பல ஆண்டு காலமாக இந்த தமிழகத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருந்த கொள்ளையர்கள் இதை புரிந்து கொண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பலம் பெருகி வருகிறது, இதை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியின் காரணமாக மக்களுக்கு பொய்யை சொல்லி, மக்களை திசை திருப்பி, மக்களுக்குள்ள சண்டையை மூட்டி, தீயை மூட்டி, விரோதத்தை செய்து அதன் மூலமாக பொதுமக்களை பிரித்து அவர்களுடைய நாற்காலியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மிகப்பெரிய பொய்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு விஷயம் மறந்துவிடக்கூடாது, தமிழகத்திட மக்கள் உள்ளத்திலே தூய்மையானவர்கள் மட்டுமல்ல மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் என்பது நம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். ஆகவே இவருடைய நாடகம், கபட நாடகம் இப்பொழுது வெளியே வந்துவிட்டது. வெளியே வந்தது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய தவறுகள் और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।